वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जी तो वीवर्स, आज की अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन कढ़ाई की। हाँ जी। और चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी ये पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा। हाँ जी। चिकन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए। ये देखें, ऑयल डाल दिया मैंने ढाई बोई में, ठीक है। अब इन्हें प्याजों को ब्राउन करते हैं, वो आपको दिखाते हैं उधर चूल्हे के ऊपर आके। जी तो वीवर्स, हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो रही है, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारी चिकन कढ़ाई कैसे तैयार होगी। इसके लिए जो हमने प्याज है इसके अंदर हमने घी शामिल कर दिया है और अब हम लोग उसको चूल्हे पर रख रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी चिकन कढ़ाई कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। जी तो वीवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चिकन कढ़ाई के प्याज हैं हम लोगों ने इनको चूल्हे पर रख दिया है और यहाँ पर हमने इनको लाइट कलर देना है। तो जैसे ही हमारे प्याज तैयार होते हैं हम आपको दिखाते हैं कि हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई कैसे तैयार होगी। वीवर्स, हमारे यहाँ पे प्याज तैयार हो गए हैं तकरीबन कढ़ाई के। अब हम लोगों ने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून दिया हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी। तो इसके बाद हम लोग इसको भूनेंगे। हाँ, गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो इसको हम लोग गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको भून दी है। हम थोड़ा सा उसको मजीद और भूनेंगे और फिर पानी डाल के उसको गलने के लिए रख देंगे। ये हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। लगे हैं तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करने लगे हैं। ये हमने तकरीबन इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर दिया। अब हम लोग इसको ढक कर रख देते हैं पकने के लिए। जी तो वीवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो हाँ अपने प्याज गला लिए हैं, वहाँ पर हम दूसरी तरफ अपने जो चिकन कढ़ाई के मसाले जात है वो आपको दिखाते हैं। जी मम्मा, बताएं आप कि कौन कौन से कितने कितने मसाले हम लोगों ने लिए। ये हमने एक पैकेट मंगा लिया है। ये घर में दादरी मिर्च है, नमक है, आधी चम्मच नमक का, आधी चम्मच दादरी मिर्च की, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच लाल मिर्च किसी भी, ये एक मसाला, ये अदरक है, मिर्च है, हरी धनिया है, ये 1 किलो गोश्त है, ये दही है 1 पाव, आप डालते हैं, ठीक है। जी तो वीवर, जब हम लोग अपने चूल्हे पे रखी हुई प्याजों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई कैसे तैयार होगी। ये देखिए वीवर्स, हम लोगों ने यहाँ पर अपने चिकन को शामिल कर लिया है, वही प्याज जो हम लोग आप लोगों को पहले दिखा चुकी हैं कि हम लोगों ने उनको गलने के लिए रख दिया था। सिंपल हम लोगों ने प्याज लिए थे, इसके साथ हमने टमाटर शामिल किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और उसको गला लिया। तो अब हम लोग इसके अंदर अपनी जो 1 किलो चिकन है उसको शामिल कर दिया है और जो दही है वो हमने शामिल कर लिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो आज हमारी रेसिपी तैयार हो रही है चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, उम्मीद है आपको हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। हम लोगों ने वही मसाले लिए हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़े से इसके फ्लेवर के लिए हम लोगों ने शान कढ़ाई मसाला भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ये जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया है। तो मम्मा, कितनी देर हम लोग इसको भूनेंगे? तो वीवर्स, हम लोगों ने जब तक हांडिया के ऊपर घी नहीं आता, हमारा चिकन का सालन तैयार नहीं होता, हम लोगों ने उसको भूनना है। तो भूनने के बाद बाकी जो हमारे मसाले हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमारी रेसिपी को पूरा देखना है, तभी आप सीख सकेंगे मज़ेदार चिकन कढ़ाई कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे बबल्स बन रहे हैं, कितना मतलब दिखने में ये अच्छा लग रहा है। ये हम एक्स्ट्रा घर का मसाला डाल रहे हैं, इसमें अच्छा जायका बन जाए, ठीक है। ये पैकेट का। जी हम लोगों ने वीवर्स यहाँ पर शान कढ़ाई मसाला लिया है, इसके अलावा हम लोगों ने अपने घर के स्पाइस भी ऐड किए हैं जो हम लोग आपको दिखा चुके हैं, वही यूरियल हमारा नमक मिर्च और हल्दी पाउडर हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ गया है, इसका खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है हमारे किचन में। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है चिकन कढ़ाई की वो कैसी लगी है। हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें।
देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ये जो हमारी कढ़ाई है चिकन की वो तैयार हो गई है और घी भी आ गया और बबल्स भी आप देख सकते हैं कि मतलब 5 मिनट दम दे देते हैं इसे। अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं ताकि जो हमारा चिकन तो ऑलमोस्ट गल ही चुका है, थोड़ी सी जो कसर होगी वो भी इसकी पूरी हो जाएगी, तो हम आपको 5 मिनट के बाद दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा कलर आ गया इसका माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, और हम लोगों ने अब इसको डिश आउट भी कर दिया है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मतलब बिल्कुल ना शादियों वाला सालन और देगों वाली खुशबू आ रही है मतलब इसकी, आप घर में अगर इसको बनाएंगे ना सब आपको इंशाल्लाह ज़रूर दाद देंगे, बहुत पसंद करेंगे और बहुत आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बनाना हमारी रेसिपी के ज़रिए ही है जैसे हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है हमारा सालन चिकन कढ़ाई का, और वाह माशाल्लाह ऊपर से हमने गार्निशिंग कर दी है इसकी अदरक की धनिए की हरी मिर्च की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही आला। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आज की जो हमारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमें बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।